नारायण 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 नारायण। सत्संग का तात्पर्य है अपने आप को सत के साथ युक्त अनुभव करना। अर्थात अपने आप को असत से युक्त करना, सत से तो सबके सब युक्त ही है। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सत से अयुक्त हो। किंतु सत से अयुक्त होने की भ्रांति के कारण हम अपने आप को सत से वियुक्त समझ रहे हैं। इसलिए सत की प्राप्ति हमारा कर्तव्य नहीं है, वो तो नित्य ही प्राप्त है। असत से निवृत्ति आवश्यक है। सत्संग का तात्पर्य यही है कि हम असत से अलग हो जाए। जैसे वस्त्र तो धोती तो वस्तुतः स्वच्छ ही है, अगर उसमें मलिनता भासमान है, दिखाई पड़ रही है, तो ये उसकी वास्तव मलिनता नहीं है, उसमें आरोप उसमें लगी हुई है, उसमें सटी हुई है। सटी हुई का तात्पर्य क्या है? चिपकी हुई है। मलिनता चिपकती कैसे है? जैसे कोई चिपचिपा पदार्थ ग्रीस है, घृत है, इस तरह का चिपचिपा चिपचिपी वस्तु का संयोग यदि वस्त्र से हो गया तो उससे सट जाते हैं आके धूली के कण, मलिनता के कण। तो अब मलिनता के कणों से निवृत्ति के लिए मलिनता के कणों को दूर करने के लिए जिस वस्तु से वो जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, सटे हुए हैं, उस पर निवृत्त करना। आसक्ति के कारण ही मलिनता हमारे से जुड़ गई। यदि आसक्ति किसी प्रकार से निवृत्त हो जाए, जैसे कुछ डिटर्जेंट डालने से ये जो चिकनी वस्तुएं हैं उनका चिकनापन नष्ट हो जाता है, उनका चिपकाने का गुण नष्ट हो जाता है, उनके चिपकाने के गुण के नष्ट हो जाने के कारण उनके आश्रय से जो धूल आदि के कण चिपके हुए थे वो भी अब अलग हो जाते हैं, और पानी में आप उनको प्रक्षालन करते हैं तो वो धूल के कण भी निवृत्त हो जाएंगे और जिनसे वो चिकनाई इत्यादि से सटे हुए थे वो भी निवृत्त हो जाएंगे।
तात्पर्य क्या है? धोती को स्वच्छ नहीं करना, धोती का स्वरूप ही स्वच्छ है, लेकिन उसमें आयातित जो मलता है इसका निवारण करना है। और इस मलता के निवारण के लिए जिस चीज से मलता चिपकी हुई है उस चीज को निवृत्त करना है। वस्तु का सग जाना या आसक्त हो जाना, ये आसक्ति ही वो मूल वस्तु है जिसके कारण असत आके हमसे सत गया है। जीव तो सच्चित आनंद स्वरूप है लेकिन उसमें आसक्ति आ गई है। अर्जुन ने पूछा भगवान से, आप कह रहे पाप की प्रवृत्ति होनी चाहिए इत्यादि आदि, आप ये बताओ ये पाप करने की प्रवृत्ति आई कहां से? ईमानदार जी अर्जुन पूछ रहे हैं, अध केन प्रयुक्तो यम पापम चरति, अयम पुरुषः केन कारणेन, किस कारण से बाध्य हो करके पाप करता है? अनिच्छिन्न भी इच्छा नहीं है पाप करने, लेकिन बला इवनियोजिता ऐसा लगता है कि कोई जबरदस्ती ही पाप करा रहा है। दुर्योधन से भी पूछा गया था काहे के ये दुराचरण करता, तो मालूम नहीं कि पाप क्या होता है? कहता जानता हूं, मैं भी द्रोणाचार्य जी का विद्यार्थी हूं। जाना भी धर्म, मुझे धर्म का ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। जाना नमे प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति ही नहीं होती धर्म करने में। वो जाना मैं धर्म, अधर्म में क्या बोलने जानता हूं, न मेरी निवृत्ति, लेकिन उस अधर्म कार्य से मेरी निवृत्ति नहीं होती। अधिकतर पाप मनुष्य जानते हुए भी करता है, कोई ना कोई बहाना खोल ले लेता है उस प्रवृत्ति के लिए। तो दुर्योधन कहता है केनापि देवेन हृदयस्थितेन, मेरे हृदय में जाने कौन सा ऐसा देवता है, यथा नियुक्तोस तथा करोमि, उसके द्वारा जैसे मैं नियुक्त होता हूं उस तरह का आचरण करता हूं। बिल्कुल यही बात, जान बूझ के लोग पाप करते हैं, ये बात एकदम गलत है कि हमसे पाप जबरदस्ती कराया गया है। मनुष्य धोखा न दे तो अच्छा है, चलो दूसरों को धोखा दे दे तो यद किंचित उसको हम किसी तरह स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अपने को धोखा तो ना दे। मनुष्य अपने को जब धोखा देने लग जाए तब बड़ी कठिनाई होती है। हमारे शरीर में एक रोग होता है, वो सर्फ की मतलब हमारे अपने ही शरीर के तंतु अपने आप को और शत्रु मानने लगते हैं और आपस में ही सुंदर न्याय में नष्ट होने लगते हैं। बड़ी भारी बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट बड़ा प्रयास से करना पड़ता है। अपने को धोखा देते पाप कभी बलात् होता ही नहीं,
क्योंकि पाप किसी क्रिया का नाम है ही नहीं। उस क्रिया के पीछे तुम्हारी भावना क्या है ये उसके पाप और पुण्य बनाती है। आपके शरीर के ऊपर तो कोई बलात् कर सकता है लेकिन अंतःकरण के ऊपर कोई बलात् तो कुछ कर ही नहीं सकता है। इसलिए यदि आप अंतःकरण से उस पाप कर्म में संलग्न नहीं है तो आपको पाप नहीं होगा। आपका सटना उस कर्म के साथ आसक्त होना ये आपके पाप अथवा पुण्य का हेतु बनता है। गोली चलाना अपने आप में न पाप है न पुण्य है, आप किस नियत से कर रहे हैं। राष्ट्र रक्षा अबला की रक्षा के लिए कर रहे तो पुण्य है और स्वार्थ के लिए कर रहे तो पातक है। तो इसलिए केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति, हे श्री कृष्ण अयम पुरुष अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति अनिच्छिन्न विमाश्रय अपराधि उन्मूलितम्। तो इसका एक ही उत्तर दिया गया, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्र। जितने भी पाप हैं वो काम और क्रोध से ही प्रेरित होते हैं। काम क्रोध से यदि प्रेरणा नहीं है तो पाप संभव ही नहीं। ये काम और क्रोध कहां से आते हैं? तो ये अपना और अपने से इतर को देखना यही पाप कर्म का मूल हुआ। मम या अहम, त्वम या तव, यही दो चीजें हैं जो मनुष्य से पाप कराते। काम में भी प्रवृत्ति अहम और मन के कारण होगी और क्रोध में भी प्रवृत्ति अहम मन और तम के कारण ही होगी। हमारे सटने का कारण यही है कि अहम भाव है। सत्संग का तात्पर्य है हम अपने को असत से मानते। जब कोई प्रवचन इत्यादि लोग देखते हैं कि जो बातें कही जा रही हैं इनमें जो गुण गुण है उसको ध्यान, ये गुण तो मेरे में है। और जब कोई दोष की चर्चा, हाँ मेरे पड़ोसी में ये सब दोष है, दुष्ट ही है, कथा में भी आ रहा हूं दुष्ट ले। अरे कथा में जाके अपने दोष का अवलोकन करो और दूसरे के गुणों का अवलोकन करो। हम आपसे निवेदन करें कि जो आप अवलोकन करोगे उस प्रकार के संस्कार आप में दृढ़ होंगे। आप अपने में दोष के दर्शन करोगे आपके संस्कार दृढ़ होंगे कि मुझ में ये दोष हैं और उस दोष को जानने के अनंतर उससे निवृत्ति का उपाय सहज हो जाता है। कई लोग अपने दोष अपने दोषों को भी गुण मान लेते हैं, मेरा स्वभाव ही है भाई साहब क्या करूं। इसका मतलब उनका रोग कभी निवृत्त होगा ही नहीं। तो अपना दोष देखे और दूसरों का गुण देखे, दूसरों के गुण का चिंतन करते करते तो उसमें नम्रता कैसी है। थोड़े कंजूस जरूर लेकर विद्वान कितने हैं, नम्र कितने हैं, उदार कितने। तो ये उन गुणों का आविष्करण कर लो। आविष्करण में जानबूझ के शब्द प्रयोग कर रहा हूं, कोई न कोई गुण सब में रहता ही है, उनको देखो। एक बार हम
नोहर रेलवे स्टेशन से बहुत बार हमने उदाहरण दिया है, सैकड़ों हजारों बार, हजारों सैकड़ों बार तो यही हुआ। तो दोपहर में देखा तो हमने सड़ा हुआ कुत्ता काले रंग का गर्मी बजा रहा था, बदबू आ रही थी, इतनी बदबू उसके शरीर से आ रही थी, हम नाक के ऊपर कपड़ा रख के भगन के किसी तरह निकल रहे थे। हमको लगा हमारा भोजन उलट जाएगा, ये सच्ची का भोजन कर जाएगा, कैसे सड़ा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ है। तो हमारे साथ एक संत थे स्वामी रामानंद जी, वो कहते इस कुत्ते के दांत देखो कैसे चमकीले चमकीले सफेद सफेद हैं। मैंने नाक के कपड़ा उतार के उसको डरवा के बोला धन्य हो महापुरुष, इसको संत की दृष्टि कहते हैं। उस सड़े हुए कुत्ते में भी उनको चमकदार दांत दिखाई पड़े, गुण देख। सत्संग का तात्पर्य है अपने अवगुण देखो दूसरों के गुणों का निशान। तो जो आप देखोगे वही आप में आ जाएगा, आपका अंतःकरण का रूप हो जाएगा। अंतःकरण तो आपका बनाया हुआ है, असत दर्शन करोगे असत हो जाएगा, सत दर्शन करोगे सत हो जाएगा। तो इसलिए सत्संग का तात्पर्य है अपने अवगुणों का अवलोकन करो, दूसरे के गुणों का दर्शन करो, तब सत्संग का लाभ होगा, तब असत की निवृत्ति होगी और सत्य के साथ आनंद आ ही जाएगा, सच्चिदानंद की। सत्संग दर्पण है, हमारे अपने स्वरूप को हर तरह से दिखाता है, जो हमारा वास्तव स्वरूप है उसको भी दिखाता है, और जो हमने अपने पे आरोपित कर रखा है सावधान है तो असत की निवृत्ति कर लो, सत्य संबंधित ही प्राप्त है। हमको भगवान की दृष्टि प्रदान करे, सत्संग के द्वारा हम अपने में असत्व के दर्शन करके और सत्व के प्राप्ति का इस प्रकार से उपाय करें तो परमात्मा की प्राप्ति कोई बड़ी दूर नहीं है। काम एशा क्रोध एशा रजोगु समुद्रः, मैं तय मोर तय तय माया, ये जो तुलसीदास जी ने कहा वही तात्पर्य है। इसकी निवृत्ति करना है, आसक्ति की निवृत्ति करनी है, आसक्ति की निवृत्ति के लिए अपने में दुर्गुणों को दूर करो, आसक्ति को दूर करो, आप स्वच्छ रूप हो जाओगे, परमात्मा आप सबका कल्याण करें। जय श्री।